सर्दी से डर कैसा, संग गर्म जवानी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं प्रशांत आज आपको जन्नत की सैर कराने निकल पड़ा हूँ। जी हाँ, यह हिमाचल का शिमला है, लेकिन आज सफ़ेद चादर से ढक चुका है। पिछले दो दिनों में 8 और 9 जनवरी को, 8 एंड 9 जैन को यहाँ पे हेवी स्नोफॉल हुआ है। जैसा कि आप पीछे देख ही सकते हैं, बिल्कुल वाइट वाइट सा आपको हिल्स और जो घर हैं वो भी ढके हुए हैं। पिछले दो रात में काफ़ी हिमपात हुआ है यहाँ, और मैं आपको शिमला के डिफरेंट स्नो पॉइंट्स पे अभी आपको लेके चलूँगा और वहाँ से आपको व्यू दिखाऊँगा कि स्नोफॉल के बाद व्यू, जब मौसम खुला हो, आसमान बिल्कुल खुला हो। आप पीछे देख सकते हैं कि जो आसमान है, स्काई है, बिल्कुल ओपन हो चुका है। स्काई कलर का ब्लू कलर का हो चुका है नेचुरल बिल्कुल, और धूप खिली हुई है। ऐसे में शिमला कैसे दिखता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और जिस जगह पे अभी मैं खड़ा हूँ, यह जगह है संजौली। तो पहले आप यहाँ पे संजौली का एक नज़ारा देखिए, फिर हम लोग आगे होते हुए डिफरेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए मॉलोड और रिज का व्यू भी दिखाऊंगा, और वहाँ से आने वाले जो हिल टॉप्स हैं शिमला के वो भी मैं दिखाऊंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, तो आप इस वीडियो को वॉच करते रहें और एंजॉय करते रहें। लगभग सारे रास्ते जो मॉल रोड की ओर जाते हैं आज आपको ऐसे ही दिखेंगे। ये देखिए नज़ारे, ऐसे नज़ारे आपको शिमला में लगभग हर जगह देखने को मिल जाएंगे स्नोफॉल के बाद। वाओ, व्हाट अ व्यू। लोकल टूरिस्ट एंजॉय करते हुए, बर्फ के गोले बना के खेलते हुए। दोस्तों, इस रास्ते पे वॉक करते हुए मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, और रियली मैं काफ़ी रोमांचित हो चुका हूँ। आई एम श्योर कि अगर आप भी यहाँ पे होते तो आप भी बहुत एंजॉय कर रहे होते, लेकिन अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आई एम श्योर कि आप भी अभी एंजॉय कर रहे होंगे। तो ऐसे ही एंजॉय करते रहिए इस व्लॉग को। यह शिमला और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल IGMC
और यहाँ पे भी चारों ओर बर्फ का अंबार लगा हुआ है। वैसे तो काफी सफाई की जा चुकी है। स्नोफॉल के बाद आईजीएमसी को मैं आपको फ्रंट से दिखा ही चुका हूँ और उसके लेफ्ट साइड से और लकड़ा बाजार के एंट्री के साथ ही ये लगभग एंट्री यहाँ हो जाती है, लकड़ा बाजार स्टार्ट हो जाता है। और ये सामने देखिए लॉन्गवुड हिल दिख रहा है, बिल्कुल कवर्ड है स्नो से। इसको मैं आपको लकड़ बाजार बीच मार्केट से भी दिखाऊंगा। दोस्तों ये है शिमला का लकड़ बाजार, टूरिस्ट का नंबर वन मार्केट शिमला का। और यहाँ से भी ये देखिए लॉन्गवुड हिल बिल्कुल सामने दिख रहा है। और ये देखिए बाप रे बाप, ये तो बर्फ का अंबार लगा हुआ है लकड़ बाजार शिमला में। लकड़ बाजार से ही देखिए वो सामने की ओर मॉल रोड दिख रहा है, अभी वहाँ चलेंगे हम लोग। और मॉल रोड के साथ में रिच का अपर एरिया है वो भी दिख रहा है। और यहाँ से ये हिल का व्यू देखिए, जो सराउंडिंग हिल्स हैं शिमला के। अगर शिमला में बर्फबारी की बात करें दोस्तों तो लगभग 1 से 1.5 फुट की बर्फ पड़ी है, मोर देन 1 फुट है ये बर्फ, यानी कि घुटने तक। स्नो कटर से रास्तों को सुगम बनाया जा रहा है ताकि पर्यटक यहाँ पे आराम से आवाजाही कर सकें। मैं पहुँच चुका हूँ अब शिमला के रिज मैदान पे, रिज ग्राउंड पे, जो शिमला का नंबर वन टूरिज्म स्पॉट है। और यहाँ पे लगभग इस जगह की सफाई की जा चुकी है ताकि जो टूरिस्ट हैं वो आराम से यहाँ पे वॉक कर सकें, घूम सकें। मैं यहाँ से आपको डिफरेंट पॉइंट्स के व्यू दिखाऊंगा फुल सन्नी डे में और नेक्स्ट डे आफ्टर स्नोफॉल। मैं यहाँ से आपको कुछ 4-5 पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ। सैलानियों से गुलजार हो चुका है यह जगह, कल भी काफ़ी रश थी, हमने एक वीडियो डाल रखा था उसका तो आपने ज़रूर देखा होगा। कल जो हमने वीडियो अपलोड किया था वो लाइव स्नोफॉल का था और ये नेक्स्ट डे यानी कि आज का मंडे 10 जनवरी का वीडियो है। शिमला के इस ग्लोरियस मैदान पर, रिज पर टूरिस्ट एंजॉय करते हुए और यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना सुंदर हो चुका है कि हर कोई यहाँ पे जिनके पास जो भी कैमरे मोबाइल हैं उसे वीडियोग्राफी करते हुए पिक्चर्स क्लिक करते हुए। और यहाँ से ये व्यू देखिए, ये शिमला का मोस्ट फेमस सेल्फी पॉइंट है, ये उस जगह का व्यू है। कैसे डिफरेंट कॉर्नर से इंडिया के लोग यहाँ आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये सामने शिमला का द मोस्ट फेमस चर्च, रिज का चर्च, और ये उसके साथ ही देखिए जाखू हिल्स कितना सुंदर दिख रहा है। यह जाखू हिल्स के जितने भी आसपास के पेड़ हैं, देवदार ट्रीज हैं, ये सारे बर्फ से ढके हुए हैं अभी तक, और इनको मेल्ट होने में लगभग 2-3 दिन लग जाते हैं कम्प्लीटली मेल्ट होने में। और साथ ही साथ जो हमारे टूरिस्ट्स हैं वे देखिए कितने एंजॉय करते हुए इस जगह को और धूप सेकते हुए, धूप का आनंद लेते हुए इस ठंड मौसम में। शिमला के रिज मैदान के साथ ही एक पार्क है यह दौलत सिंह पार्क, और यहाँ पे पर्यटक आनंद लेते हुए बर्फ का, और बर्फ के गोले से खेलते हुए दौलत सिंह पार्क। ये सामने गेटी थिएटर रिज पर ही, और ये एम्फी थिएटर, देखें जरा इसका हाल क्या है बर्फ में। ओह गॉड, ये तो बिल्कुल ही बर्फ से लदा हुआ है। एम्फी थिएटर से ये जाखू हिल का नज़ारा और साथ ही यह मॉल रोड। आई एम श्योर फ्रेंड्स इस नैसर्गिक व्यू का आनंद आप जरूर ले रहे होंगे।
आइए मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए। और हम लोग पहुंच चुके हैं मॉल रोड पर, और यहाँ भी रास्तों को साफ किया जा चुका है ताकि टूरिस्ट उस पर ईज़िली वॉक कर सकें। दोस्तों ये है मॉल रोड का नज़ारा, रियली वेरी ब्यूटीफुल। स्नोफॉल के बाद तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और क्योंकि अभी सुबह के 10:30 10:30 के आसपास बजे हैं तो ज़्यादा दुकानें खुली नहीं हैं, लेकिन स्नो देखने के लिए टूरिस्ट ज़रूर इस जगहों पे उमड़ चुके हैं। आज के इस वीडियो को देखकर आज आप स्विट्ज़रलैंड को भूल गए होंगे ज़रूर। और हम पहुंच चुके हैं स्कैंडल पॉइंट। स्नोफॉल के बाद यहां का नज़ारा देखिए, क्योंकि आज मंडे का दिन है तो ऑफिसेस बैंक्स खुले हुए हैं, लेकिन साथ ही दर्शकों का भीड़ यहां पे कम नहीं हुआ है। ये स्कैंडल पॉइंट से मैं रिज की ओर का व्यू दिखाता हूं। ये सामने देखिए, लवली व्यू। दो चार दिन के बाद तो ये व्यू यहां पे भी नहीं रहेगा, इसलिए तो उसको नैसर्गिक सौंदर्य बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यह कभी कभी देखने को मिलता है जब स्नोफॉल होता है तो। वाओ, स्कैंडल पॉइंट से मैंने आपको ये व्यू दिखाया, ये मुझे अभी तक का सबसे अच्छा व्यू लगा शिमला का। एक बार ये दृश्य भी देख लीजिए आप मेरे प्यारे ऑडियंसेस, ये देखिए रिज से लकड़ा बाजार को जाने वाले रास्ते, कितना शानदार दिख रहा है ये रास्ता। वैसे तो मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा, लेकिन फ्रेंड्स मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।